वेस्ट मानसून का क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि ये साउथ ईस्ट विंड है, साउथ ईस्ट विंड जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के तुरंत बाद ये साउथ वेस्ट बनती है, क्योंकि फेरेंस लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना राइट टर्न लेता है। तो यहाँ पर ये साउथ वेस्ट मानसून के रूप में बन गया, ये अरबियन सी के ऊपर साउथ वेस्ट मानसून, और ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक ब्रांच इसकी जा रही है इंडिया का, जो पेनिनसुला शेप है। इसके चलते मानसून दो भाग में बढ़ गया। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि मानसून का मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो अरबियन सी का जो ब्रांच है, ये ब्रांच आप देखें कि अरबियन सी के ऊपर से जब चल रही है एग्जैक्टली साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में, और यहाँ वेस्टर्न घाट माउंटेन, तो दिस विंड स्ट्राइक्स विद द वेस्टर्न घाट माउंटेन, और ये विंड जैसे जैसे अप जाएगी, अप जाने के साथ में ये सेचुरेट करती है, और सेचुरेशन के बाद कोस्टल रीजन में यहाँ पर हेवी रेनफॉल होगा, जो आप सुनते हैं कि मुंबई में त्रिवेंद्रम में ज्यादा बारिश क्यों होता है, रदर देन पूना, पूना में कम बारिश है, नागपुर में कम बारिश है। तो यहाँ पर एक लीवार साइड और विंडवार साइड बन रहा है, जिसको रेन शैडो एरिया ज्योग्राफी में कहा जाता है, यानी कि माउंटेन के एक साइड में जिधर से विंड आ रही है वो विंडवार साइड है, और अपोजिट में विंड ड्राई हो जाती है, उसकी टेम्परेचर कंडीशन बढ़ जाती है, जिसके चलते ह्यूमिडिटी है नहीं, तो इस रीजन में बारिश कम होती है। अब ये जो विंड है, आप देखें कि ये विंड जैसे जैसे आगे की ओर जा रही है इस साइड से, और आगे की ओर जाते समय अरावली माउंटेन के पैरेलल होते हुए, इसलिए राजस्थान में बारिश कम भी हो, और साथ में ये विंड फिर चली जा रही है दिल्ली हरियाणा की ओर में, जहां पर ह्यूमिडिटी कम है, तो वहां भी बारिश कम हो। इस साइड में देखिए अगर हम लोग कि जो समर मानसून आया है, तो आप देखिए कोरोमंडल का जो तट है, ये हमारा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट माउंटेन के देखिए पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गया तो स्ट्राइक नहीं कर पाया, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाया। ये विंड जैसे जैसे आगे जा रही है, जाते समय ये यहाँ पर इस रीजन में जो बर्मा है यहाँ स्ट्राइक कर रही है, और लो प्रेशर की ओर मूव करते हुए ये मेघालय के अंदर चली जाती है, जहां पर गारो खासी और जयंतिया ही है, जहां मौसी मराम और चेरापूंजी है, जिसमें लगातार बारिश होती है पूरे समर सीजन में, सबसे अधिक वर्षा जहां पर रिकॉर्ड की गई, और ये मानसून फिर यहां से टर्न लेती है इसकी ओर, क्योंकि प्रेशर बेल्ट जो है हमारा लो प्रेशर, देखिए राजस्थान के एक्सटेंशन इधर, तो ये विंड इधर टर्न ली, और टर्न लेने के बाद में ये गंगा का वैली है हमारा, साथ में कुछ विंड जो है वो हिमालय की ओर भी जा रही है, हिमालय की हाइट अधिक होने के चलते पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ये तो ये चाइना में चली जाती, और ये विंड अब भारत में बारिश कर पा रही, जो आप देखते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी का माउथ है, मुहाना है, यहाँ से कुछ विंड मानसून की अंदर की ओर जाती है, और जाने के बाद देखिए इस रीजन में बारिश कर रही है, और यहाँ से ज्वाइंट होने के बाद, मतलब इधर से जो बे ऑफ बंगाल की शाखा आ रही है, इधर से जो अरेबियन सी की शाखा जा रही है, दोनों ज्वाइंट होकर के कंबाइंड रूप से जा रही है, ये दिल्ली और हरियाणा के और पंजाब के क्षेत्र में। यही कारण है कि इस रीजन में बारिश बहुत कम होती है। मानसून 1 जून को यहाँ मालाबार तट में आया है, 15 जुलाई तक इस रीजन में, और इस रीजन में मानसून जो है वो पहुंच पाता है, यानी कि 45 डे पूरे मानसून को पहुंचने में लगता है। ये पूरी मैकेनिज्म हुआ, मैकेनिज्म में विंड की डायरेक्शन किस प्रकार से कहाँ मूव कर रही है, इसमें कुछ लोकल इफेक्ट होता है, जैसे कि इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो IPCJ है, तो IPCJ कैसे मूव करेगा, तभी जा करके जो लो प्रेशर बनता है उसको साउथ वेस्टर्न मानसून फॉलो करेगा। हम लोग अगले सेक्टर में पढ़ेंगे कि जेट स्ट्रीम कैसे विड्रॉल करेगा और कहाँ कहाँ पर बारिश नहीं होगी।